नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जबलपुर के संत श्री सुधा सागर पब्लिक स्कूल का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर, अन्य विधायक विनय सक्सेना, पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन, नगर अध्यक्ष प्रभास साहू, कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन और क्षेत्रीय पार्षद प्रतिभा भापकर इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। वहीं छोटे छोटे बच्चों के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया और तालियों की तेज गड़गड़ाहट से सभी मंत्र मुग्ध हो गए। कौन सा डांस था आपका, कैसा लगा आपको? अपना नाम बताओ। किस तरीके का लगा आपको? इधर प्रोग्राम हुआ, स्कूल से हटके आपका प्रोग्राम हुआ, आपको किस तरीके का महसूस हो रहा है? ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए स्कूल के थ्रू। अपना नाम बताएं। गुरुदेव श्री सागर जी महामुनिराज एवं जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की प्रेरणा से संचालित संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जगत पूज्य मुनि सुधा सागर जी महामुनिराज ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए समाज को निर्देश दिया था कि हम ऐसे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करें जो एक संस्कारित और शिक्षित भविष्य का निर्माण कर सके। उसी उद्देश्य को लेकर के संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल यहाँ पर कार्यरत है और आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि आधुनिक स्कूलों की श्रेणी में संत सुधा सागर स्कूल आ चुका है। और जबलपुर के जिन प्रथम 10 स्कूलों की चर्चा हम करते हैं उन शैक्षणिक संस्थानों में इस संस्थान का नाम अब आ चुका है। आज यहाँ पर वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम उन प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं जो शाला के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से मात्र एकेडमिक स्तर पर ही सीमित रह जाती है, लेकिन उन प्रतिभाओं को आज एक बड़ा मंच देकर के मानस भवन के इस सभागार में उन्हें हमने मंच पर लाने का काम किया है। और हमने आज प्रस्तुतियों में देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के माध्यम से संचालित ये स्कूल लोगों के बीच में अपने संस्कार के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य पर आगे बढ़ रहा है। अपने नाम अमित पड़दिया, प्रवक्ता दिगंबर जैन पंचायत सुधा सागर स्कूल का कार्यक्रम था जो प्रति वर्ष स्कूल के अंदर ही होता था। इस बार नए पदाधिकारी, नई टीम का चयन हुआ जबलपुर जैन पंचायत सभा का और गुरुवर गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज का शुभाशीष और आशीर्वाद के कारण यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन हम लोगों ने इसमें परिश्रम और पंचायत सभा के समस्त पदाधिकारी ने इस स्कूल को एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए सारी स्कूल का जीर्णोद्धार किया, कक्षाओं का विकास किया एवं स्मार्ट क्लासों का भी हम लोगों ने योजना बनाई और चालू की। और इस तरीके से पहले बच्चे 150-200 तक आते, आज हमारे बच्चे 450 वहाँ अध्ययनरत कर रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, आदर्श और संस्कारों के साथ यह स्कूल चल रही है, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। इसमें मतलब शिक्षिकाओं का भी बड़ा योगदान है कि जिनको हम लोग हर तरीके से उनके बच्चों का पालन करते हैं और स्कूल को उसी तरीके से चलने दे रहे हैं कि जो जिस तरीके से वो सुविधाएँ चाहते हैं। हम लोग सारी पंचायत सभा उनको यह पूर्ण सहयोग देकर और इस स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, यही हमारी जबलपुर जैन पंचायत सभा।